हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ3 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आप जो है बैटरी सेवर सेटिंग को अपना शेड्यूल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है शेड्यूल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैटरी का, बैटरी पर सेलेक्ट करना है। अब बैटरी के इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बैटरी सेवर का, बैटरी सेवर पे सेलेक्ट करना है। अब बैटरी सेवर का ये पेज ओपन होगा ना, इसमें आपको नीचे ये सेट ए शेड्यूल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब ये सेट ए शेड्यूल का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है बेस्ड ऑन परसेंटेज, ठीक है। तो आपका नीचे की साइड ये पॉइंटर शो हो जाएगा परसेंटेज के साथ, ठीक है। इस पॉइंटर को आपको ना आगे पीछे आप कर सकते हैं, मतलब किसी भी परसेंट पर आप इसे रख सकते हैं, 10, 20, 50, 90, 80, 70 कहीं भी आप इसे रख लीजिए। मैं इसे 25% पर रख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, समझाने के लिए आपको। तो यहाँ पर अब हमने इसे 25% पर रख लिया। अब हम बैक पेज पर जाएंगे तो देखिए शेड्यूल के नीचे लिखा हुआ आ रहा है विल टर्न ऑन एट 25%। अभी बैटरी सेवर सेटिंग आपकी शेड्यूल हो चुकी है। अभी शेड्यूल होने के बाद कैसे काम करेगी ये मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपके मोबाइल फोन की जो बैटरी होती है ना, जब भी वो 25% पे आ जाएगी तो आपके मोबाइल फोन का जो बैटरी सेवर सेटिंग है ये आपकी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। ऑटोमेटिक ऑन होने के बाद आपके फोन की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, आपके बैकग्राउंड स्क्रीन जो है ना मोबाइल फोन की ये व्हाइट से ब्लैक हो जाएगी। अब देखिए, डेटा सेवर, ये बैटरी सेवर सेटिंग जो है ना ऑन होने के बाद ये सेटिंग काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्जर के साथ कनेक्ट नहीं करते हैं फिर भी आप अपने चार्जर को यूज करे जा रहे हैं तो बैटरी सेवर सेटिंग ना आपके मोबाइल फोन की बैटरी को ज्यादा से ज्यादा ड्रेन होने से बचाएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम होने से बचाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये सेटिंग ऐसे काम करती है बैटरी सेवर। और शेड्यूल करने का फायदा क्या होता है, देखिए शेड्यूल करने का फायदा ये होता है कि आपकी ये सेटिंग ना एवरीडे ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी। जब भी आपके मोबाइल फोन की बैटरी जो है 25% पे आएगी तो ये ऑटोमेटिक ऑन हो जाया करेगी हर दिन, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है इस तरीके से काम करती है शेड्यूल करने के बाद, और बैटरी सेवर आपके मोबाइल फोन की बैटरी को ज्यादा से ज्यादा ड्रेन होने से बचाता है, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने आपको बटन दबा के दिखाया था, इस बटन को आपको दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस सेटिंग को मैंने ऑन कर दिया था अभी ये बटन दबा के, लेकिन आपको ये बटन दबाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपने जब इसे शेड्यूल करते हैं तो, ये मैंने आपको समझाने के लिए इस सेटिंग को अभी ऑन कर दिया था, ठीक है ना। तो ये बटन दबाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।